तो बेसिकली मैं इसको परमिशन नहीं देने वाला हूँ, अगर आपको देने का इच्छा हो तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है यहाँ से स्किप करने वाला हूँ। अब मैं जो है आपको उन ऐप्स को चेक करा देता हूँ जिन ऐप्स को मैंने अभी लॉक लगाया था, कि उस पर जो है लॉक लगा है या फिर नहीं। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बेस्ट ऐप लॉक फॉर एंड्रॉइड 2022। देखो, अगर आपके फोन में कोई डेटा है, डॉक्यूमेंट है या फिर कोई सीक्रेट है जिसे आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो ऐसे में जो है आप अपने फोन के किसी भी ऐप को जो है लॉक कर सकते हैं। कैसे? तो अभी जो है मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से जो है आप अपने फोन के किसी भी ऐप को जो है लॉक कर पाएंगे। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हम जो है ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आप प्ले स्टोर पर आ जाओ और यहाँ पे सर्च करो ऐप लॉक। उसके बाद देखो ये वाला जो एप्लीकेशन है, सिंपली से आपको जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। और देखो इसका रेटिंग भी जो है काफी अच्छा है, 4.6 का रेटिंग है और इसका साइज भी जो है ना वो भी काफी छोटा है, 6.28 MB का है। तो इजीली आप इसको इंस्टॉल कर लो एंड इसको ओपन कर दो। देखो ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो जहां पे लिखा है स्टार्ट नाउ, यहां पे जैसे आप क्लिक करोगे देखो यहां लिखा है अनलॉक विथ रजिस्टर फिंगरप्रिंट, और ऊपर में देखो तीन स्टेप बना हुआ है, यानी कि इन तीन स्टेप्स को आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ऐप जो है वो लॉक होगा। ठीक है, चलो अब सिंपली से आप यहां पे ओके कर दो। उसके बाद देखो अब आपको यहां पे पैटर्न ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है कि किस टाइप का आप लॉकर रखना चाहते हैं। अगर आपको पैटर्न नहीं रखना है, अगर आपको पिन रखना है, तो नीचे में देखो चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है स्विच टू पिन। जैसे ही आप यहां पे टच करेंगे तो देखो ये पैटर्न जो है स्विच हो गया है पिन में। अगर आपको पिन रखना है तो पिन रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो है पैटर्न नहीं रहने देता हूं, तो स्विच कर लेता हूं वापस से। अब यहां पे देखो मैंने अपना पैटर्न जो है ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे आपको रीड्रॉ करने के लिए बोलेगा, यानी कि कंफर्म करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो वापस से यहां पे कंफर्म कर दो। अब जो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से ऐप्स को जो है लॉक करना है, अगर आपको सारे ऐप्स को लॉक करना है तो ऊपर में देखो यहां पे एक ऑल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इस पर प्रेस करोगे तो सारा का सारा ऐप जो है सेलेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर सबको आपको नहीं करना है, किसी स्पेसिफिक ऐप को करना है, तो सिंपली से आप यहां से ढूंढ के आप उनको जो है टिक कर सकते हैं, या फिर ऊपर में देखो यहां पे सर्च का भी एक ऑप्शन आ रहा है, यहां से भी उस ऐप को जो है सर्च करके उसको टिक कर सकते हैं। नीचे में देखो लॉक का एक ऑप्शन दिख रहा है और जस्ट इसके बगल में ब्रैकेट के अंदर आपको दिख रहा है कि आपने कितने ऐप को जो है सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिंपली से आप यहां पे क्लिक कर दो एंड यहां पे जो है आपको कुछ परमिशंस देना होगा। तो बेसिकली यहां पे तीन परमिशन आपको देना होगा, यूजेज एक्सेस का, दूसरा है डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, तीसरा है स्टार्ट इन बैकग्राउंड। तो सबसे पहले जो है हम यूजेज एक्सेस पे क्लिक करो एंड यहां पे गॉट इट कर दो। अब देखो यहां पे उस ऐप का नाम आ गया है ऐप लॉक। जैसे ही इसके अंदर आओगे तो यहां पे देखो परमिट यूजेज एक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली से आप इसको जो है इनेबल कर दो। ओके, अब देखो यहां पे दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है डिस्प्ले अदर एप्स, जैसे इस पे टच करोगे तो यहां पे जो है परमिट ड्राइंग ओवर अदर एप्स, इसको जो है सिंपली से आप इनेबल कर दो। ठीक है, अब तीसरा जो यहां पे ऑप्शन है स्टार्ट इन बैकग्राउंड, यहां पे टच करो एंड गॉट इट कर दो। उसके बाद देखो यहां पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, जिसमें से दो ऑप्शन के बगल में ग्रीन टिक है और दो ऑप्शन के बगल में जो है रेड क्रॉस है। इसका मतलब जहां पे रेड क्रॉस है उसको आपको जो है एक्सेप्ट करना है, इनेबल करना है। ठीक है, तो पहला देखो यहां पे लिख रहा है शो ऑन लॉक स्क्रीन, सिंपली से इस पे टच करो और इसको जो है एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिख रहा है डिस्प्ले पॉप अप विंडोज व्हाइल रनिंग इन द बैकग्राउंड, सिंपली से इस पे टच करो एंड इसको जो है एक्सेप्ट कर दो। उसके बाद जैसे ही एक्सेप्ट करोगे तो देखो यहां से ये जो है आपसे यहां पे आ गया एक पॉपअप जहां पे लिखा है परमिशन इज रिक्वायर्ड टू मेक श्योर एक्स लॉक वर्क्स प्रॉपरली। तो बेसिकली मैं इसको परमिशन नहीं देने वाला हूं, अगर आपको देने का इच्छा हो तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज यहां से स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो है यहां से स्किप करने वाला हूं, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। अब मैं जो है आपको उन ऐप्स को चेक करा देता हूं जिन ऐप्स को मैंने अभी लॉक लगाया था, कि उस पे जो है लॉक लगा है या फिर नहीं, है ना। तो अभी जो है मैंने गूगल क्रोम पे लॉक लगाया था, तो देखो मैंने यहां पे गूगल क्रोम को ओपन किया है, तो देख सकते हो कि यहां पे वो जो पैटर्न आ गया है जो मैंने पैटर्न वहां पे सेट किया था। देखो मैंने पैटर्न को जैसे ही यहां पे मैंने अनलॉक किया, देखो यहां पे अनलॉक हो गया है। उसके बाद मैंने प्ले स्टोर पे भी जो है वो लॉक लगाया था, तो देखो प्ले स्टोर पे भी मैंने आया और प्ले स्टोर भी मेरा जो है लॉक है। तो देखा आपने यार, यहां पे सक्सेसफुली जो है मैंने अपने ऐप्स पे जो है लॉक लगा लिया है। तो इसी तरीके से अगर आपके फोन में भी कोई सिक्योरिटी
कोई डेटा है या फिर कुछ सिक्योर चीज़ है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो इस ऐप्स की मदद से आप जो है बड़ी आसानी से अपने ऐप्स को, डेटा को जो है सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है या फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना। 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड एंजॉय करो।